सब कुछ यहीं रह जाना है। एक राज्य में एक बार एक सन्यासी आया और सीधा राजा के महल में चला गया। उस सन्यासी की वेशभूषा को देखकर राजा के किसी भी सिपाही ने उसे अंदर जाने से नहीं रोका। वो सन्यासी सीधा राजा के दरबार में चला गया। सन्यासी को अपने सामने खड़ा देख राजा ने उनसे पूछा, आप कौन हैं और क्या चाहते हैं? सन्यासी बोला, मैं एक आध्यात्मिक गुरु हूँ और प्रवचन देने के लिए दूसरे राज्य जा रहा था, लेकिन अब दिन ढलने को आया है तो मैं आज रात आपके महल में ही रुकूंगा। रात बिताने के लिए बस मैं थोड़ी जगह चाहता हूँ। सन्यासी की बात सुनकर राजा बोला, ये एक राजा का महल है, कोई विश्राम स्थल नहीं, जो आप यहाँ रात में रुकना चाहते हैं। आप बाहर जाए, वहाँ रहने की आपको कोई ना कोई जगह मिल जाएगी। सन्यासी ने राजा से फिर प्रश्न किया, महाराज क्या मैं जान सकता हूँ कि आपसे पहले ये महल किसका था? राजा बोला, मेरे पिता का था, क्योंकि मुझसे पहले वही राजा था। सन्यासी ने फिर प्रश्न किया, अच्छा तो अब आपके पिताजी कहाँ हैं? राजा बोला, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, उन्हीं के बाद तो मैं राजा बना। अच्छा, आपके पिता से पहले ये महल किसका था? सन्यासी ने फिर से प्रश्न पूछा। राजा को अब गुस्सा आने लगा, लेकिन फिर भी उसने शांत होकर जवाब दिया, मेरे पिता से पहले ये महल मेरे दादाजी का था और अब वो भी इस दुनिया में नहीं है। अब सन्यासी बोला, ये जगह जो ना कल तुम्हारी थी और ना ही तुम्हारे जाने के बाद, ये किसी और की होगी। इस संसार में लोग कुछ ही समय रह पाते हैं और फिर चले जाते हैं। जहाँ हम अपना समय बिताते हैं वही हमारा विश्राम स्थल है। ना तुम इसे अपने साथ लेकर जा पाओगे, ना ही कोई और। बताओ, ये महल एक विश्राम स्थल नहीं है तो और क्या है? राजा उनकी बात समझ गया और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। उसने सन्यासी को रुकने को जगह दे दी। सीख जो हमें इस मोटिवेशनल स्टोरी से मिलती है, दोस्तों ये बात तो हम सभी जानते हैं कि इस संसार से हम कुछ भी लेकर नहीं जा सकते। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है। जब तक इस संसार आप हैं तो मैं या मेरा इस चक्कर में ना पड़े। जिंदगी में धन लोभ लालच के पीछे ना भागें। भागना है तो खुशियों के पीछे भागें। जिंदगी का मजा बहुत पैसों में या फिर बड़ी गाड़ी में नहीं है, जिंदगी का मजा है खुश रहने में। खुश रहो, क्योंकि दूसरे के पास चाहे बहुत पैसा है लेकिन इस दुनिया से वो जाएगा खाली हाथ ही, और उसके धन का भोग कोई और करेगा। और अगर पैसा होकर भी आपका जीवन दुखों से भरा है तो आपकी जिंदगी अपने आप में ही बेकार है। याद रखना और इस पर गहराई से सोचना, आलीशान जिंदगी से बेहतर है एक खुशहाल जिंदगी।